करने वाले मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर का आज निधन हो गया। आपको बता दें कि निर्मल कौर के निधन के बाद आज हम करने वाले हैं खुलासा निर्मल कौर की जिंदगी पर। आपको बताने वाले हैं कि आखिर निर्मल कौर कौन है, निर्मल कौर कौन से पद पर कार्य कर रही थी और किस तरह मिल्खा सिंह की तरह ही उन्होंने देश के लिए कार्य किया। आज हम निर्मल कौर की जिंदगी से जुड़े उन तमाम राज पर से पर्दा उठाएंगे जिन राज को शायद आप नहीं जानते। मिल्खा सिंह ने कितनी स्ट्रगल अपनी जिंदगी में की है ये बात हर कोई जानता है, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता कि मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर ने अपनी लाइफ में कितनी स्ट्रगल की और इतनी स्ट्रगल और मुकाम पाने के बावजूद भी उन्होंने किस तरह शादी करते ही इस करियर को ठुकरा कर अपनी शादीशुदा जिंदगी में काम करना बेहतर समझा। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। 85 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहकर चली गई मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर। निर्मल कौर जो 85 साल की थी और कोरोना जैसी बीमारी से लंबे वक्त से जूझ रही थी, आज हम आपके सामने खोलेंगे राज मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर को लेकर। मिल्खा सिंह कौन है, क्या है, ये सब तो हर कोई जानता है, लेकिन उनकी पत्नी क्या काम करती थी, कौन से लेवल पर थी, आज इन सब की जानकारी हम आपको इस रिपोर्ट में देंगे। दरअसल मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर जो एक भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कैप्टन रह चुकी थी, जी हाँ, भारत के दिग्गज स्प्रिंटर रहे मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर जो कोरोना की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से दुनिया को अलविदा कह गई। 85 साल की उम्र में अपने पति मिल्खा सिंह को अकेला छोड़ गई। आपको बता दें कि निर्मल कौर भारतीय महिला फुटबॉल वॉलीबॉल टीम की कैप्टन रह चुकी है, साथ ही वो पंजाब सरकार में स्पोर्ट्स डायरेक्टर महिलाओं के लिए पद पर भी काम कर चुकी हैं। बता दें कि निर्मल कौर के निधन के बाद मिल्खा सिंह की परिवार की ओर से एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने बताया कि निर्मल कौर का निधन रविवार शाम 4 बजे हुआ था। इस स्टेटमेंट में कहा गया कि मिल्खा सिंह के आईसीयू में भर्ती होने की वजह से वो अपनी पत्नी निर्मल कौर के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकेंगे। आपको बता दें कि मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर अपने निधन के बाद अपने पति मिल्खा सिंह, अपने एक बेटे और 3 बेटियों को छोड़कर गई है। आपको बता दें कि निर्मल कौर को फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में एडमिट करवाया गया था 26 मई को और उसी के ठीक 2 दिन बाद मिल्खा सिंह को भी एडमिट करवाया गया कोरोना जैसी बीमारी के चलते, लेकिन मिल्खा सिंह को जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया गया क्योंकि फैमिली ने एक हफ्ते में ही रिक्वेस्ट की थी उन्हें डिस्चार्ज करने की, लेकिन निर्मल कौर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उन्हें आईसीयू में रखा गया, जिसके बाद मिल्खा सिंह की तबीयत में सुधार आने लगा और निर्मल कौर के हालत खराब होने लगी जिसमें उनके इन्फेक्शन होने की खबर भी सामने आई। आपको बता दें कि निर्मल कौर फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स फॉर वुमेन इन द पंजाब गवर्नमेंट रह चुकी हैं। निर्मल कौर का जन्म सन 1938 शेखपुरा पंजाब में हुआ था। मिल्खा सिंह और निर्मल कौर की पहली मुलाकात पटियाला में हुई थी। निर्मल कौर ने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की थी सन 1958 में पंजाब यूनिवर्सिटी से। इसके बाद वो कैप्टन बनती हुई नजर आई पंजाब वॉलीबॉल टीम और 3 सेपरेट ओकेजंस इन 1955। इतना ही नहीं बल्कि निर्मल कौर पहुंची थी टूर पर, सिलोंस टूर पर, जहां पर वो श्रीलंका में पार्ट बनी थी यूपी वॉलीबॉल टीम की ओर से, और इसी साल उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंडो सिलियोन चैंपियनशिप में। आपको बता दें कि निर्मल कौर हमेशा ही इस खेल को जीतती थी और हमेशा हर एक मैच जीत कर आती थी, जिसके बाद सन 1956 में निर्मल कौर बनी मेंबर ऑफ द पंजाब टीम हु बिकेम नेशनल चैंपियनशिप चैंपियंस इन पटियाला। यहां तक कि निर्मल कौर ने एक भी खेल टूर्नामेंट का हारने नहीं दिया अपनी टीम को। यहां तक कि निर्मल कौर का जब इंटरव्यू लिया गया तब
तब इस इंटरव्यू में उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया था कि जब भी वो ग्लोबल टूर्नामेंट्स खेला करती थी तो यहाँ पर वो हमेशा अपने ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनकर ग्लोबल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया करती थी। ड्यूरिंग इंटरनेशनल मैचेस आई ऑलवेज वोर सलवार कमीज व्हाइल प्लेइंग इन 1962। जिसके बाद मिल्खा सिंह और निर्मल कौर की शादी हो गई, जिसके बाद शादी के ठीक बाद ही निर्मल कौर ने स्पोर्ट्स को छोड़ने का फैसला ले लिया और अपनी शादीशुदा जिंदगी को नए ढंग से शुरू करने का फैसला लिया। आपको बता दें कि सन 1963 तक ही उन्होंने इंडियन टीम वॉलीबॉल इंडियन लेडी टीम का सपोर्ट किया, उनकी कैप्टन बनकर उन्हें लीड किया और उसके बाद अपने करियर को छोड़ अपने पति मिल्खा सिंह और अपने परिवार की ओर ध्यान देने लगी। जहाँ पर हमेशा ही निर्मल कौर अपने पति मिल्खा सिंह का सपोर्ट करती थी तो वही मिल्खा सिंह भी अपनी पत्नी निर्मल कौर का पूरा पूरा सपोर्ट करते थे। लेकिन अब निर्मल कौर अपने पति मिल्खा सिंह को अकेली छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है, जिसका काफी बड़ा झटका उनके परिवार, उनके बच्चों और उनके पति मिल्खा सिंह को लगा है। और वो इसलिए भी क्योंकि मिल्खा सिंह ICU में एडमिट थे और ऐसे में कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से उनके पत्नी के यानी कि निर्मल कौर के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाएंगे मिल्खा सिंह। नेक्स्ट नाइन लाइव सुरक्षा की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर को लेकर, जिनकी जिंदगी से जुड़ा सच हमने आपको बताया। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।